नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो में हम आपको आपके जीवन काल की बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं। जी दोस्तों, यूँ कहें तो आपके जीवन काल की हम चिंताएं आज के इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं। जो भी परेशानियां हैं दोस्तों, वह यशमय इस वीडियो को देखने के बाद आपका खत्म होना निश्चित है। बशर्ते दोस्तों, आप सभी से बस यही निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा, अपने जीवन काल में हमारे बातों को उतार लीजिएगा। दोस्तों, आपको जो फायदा होगा, आप यह बात कहेंगे कि हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपका जो स्वभाव होता है, आपका जो व्यक्तित्व होता है और पिछले समय जो आपके साथ या घटनाएं हुई है वो क्या हुई है। दोस्तों, आपने पिछले समय में किसी के साथ कभी भी भेदभाव वाला व्यवहार नहीं रखा है। आपने अपने जीवन काल में ऐसा व्यवहार कभी रखा ही नहीं है या फिर रखने की सोची ही नहीं है जो कि अगले आदमी को लगे कि इनमें भेदभाव है। जी दोस्तों, आपने जो भी किया है, जिसके लिए भी किया है, अपने जीवन काल में जो भी व्यक्ति है, जिनके लिए भी किया है, दोस्तों आपने बिल्कुल ही सच्चे दिल से उसे किया है, शिद्दत के साथ किया है, ताकि कोई आपको कह नहीं सकता कि इनमें इन बातों में खोट है। जी हाँ दोस्तों, और जब भी आप किसी के लिए कोई कार्य करते हैं, भले ही वह उसके हित के लिए हो, कभी भी आप उसे एहसास नहीं होने देते, लेकिन लोग इसका गलत अर्थ निकाल देते हैं, आपको ही भला बुरा कह देते हैं, आपकी आपको कुछ समझते ही नहीं है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं, कभी आपकी भावनाओं का कदर वो लोग नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही हम आप सभी को बता दें कि आपका जो स्वभाव होता है, बहुत ही शांत स्वभाव के आप इंसान होते हैं, परंतु अगर आपको एक बार गुस्सा आ जाए तो दोस्तों फिर आपको संभालना भी मुश्किल हो जाता है। आपके क्रोध को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यदि आप क्रोधित हो जाए, यदि आप आवेश में आ जाए, तो आप वही करेंगे जो आपका मन करेगा। जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं, आप वही चीज़ करेंगे। इसमें दूसरे की दखलंदाजी आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आप अपने जीवन काल में अपने कार्यों को अपने हिसाब से करना पसंद करते हैं। कोई दबाव डाले, कोई प्रेशर डाले, यह चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और इसी के साथ ही हम आप सभी को बता दें कि आपके अंदर बहुत सारे खास गुण होते हैं और कुछ नकारात्मक भी गुण होते हैं, और दोस्तों आपको उसका पता भी नहीं होता। आप खुद नहीं जानते हैं कि आपके अंदर इतनी सारी अच्छी खूबियां हैं, इतने सारे अच्छे गुण हैं, और दोस्तों ये सब बातों का पता आपको नहीं चल पाता। जैसे कि दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यदि आप किसी के ऊपर खुश हो जाएं, तो दोस्तों उन पर आप अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, सब कुछ उन पर लुटा देते हैं, जैसे कि ले जाओ सब कुछ तुम्हारा है। इस प्रकार दिल खोल कर आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं और इस प्रकार प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ उनको लुटा देते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ता है तो वही लोग जिनके लिए आपने अपने जीवन काल में सब कुछ किया है, खुद से ज़्यादा उन पर विश्वास किया है, सब कुछ उन पर लुटा दिया है, न्यौछावर कर दिया है, और दोस्तों वही लोग आपसे जो है मुंह फेर लेते हैं। मुंह पर तो नहीं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, आपकी निंदा भी करते हैं। शादी दोस्तों, हम आपको ये बात बता दें कि आप लोग जो होते हैं, अगर नौकरी की बात करें, बिजनेस की बात करें, पैसे कमाने की तरक्की की बात करें, तो दोस्तों आप अपने जीवन काल में हर क्षेत्रों में अच्छी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों आपको तकलीफ तब होती है जब जिसके लिए आपने सब कुछ किया है, जान से ज़्यादा उस पर भरोसा किया है, और वही लोग आपके कार्यों में रुकावट बन रहे हैं, वही लोग आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो दोस्तों आपको बुरा लगता है कि पहले समय जो व्यक्ति मेरे साथ था, जिसके लिए हमने सब कुछ किया, और उसी ने आज हमको धोखा दिया है, तो ऐसे समय में आपको दुख होता है और आपकी भावनाओं को इसमें ठेस पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को यह बात बता दें कि आपने अपने जीवन काल में बहुत कुछ सहा है, बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया है। जी दोस्तों, बहुत सारी परेशानियों को झेला है, बहुत सारे संघर्ष आपने अपने जीवन काल में किया है और अभी भी करते आ रहे हैं। आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में हमेशा परेशानियां चलती रहती है, चाहे वह मानसिक परेशानियां हो, घर की चिंताएं हो, या फिर भविष्य की चिंताएं, भविष्य को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और दोस्तों इतने सारे उलझन आपके जीवन काल में लगातार चलती रहती है,
लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें, जो खूबी आपके अंदर है उनसे आप अनजान हैं कि दोस्तों आपके जीवन काल में इतनी सारी परेशानियाँ, इतना सारा चिंता, इतनी सारी समस्याएँ होने के बावजूद भी आप कभी भी पीछे नहीं हटते। आप लगातार सभी समस्याओं का डट कर सामना करते हैं, साहस के साथ अपने कार्यों में लगे रहते हैं। और दोस्तों इन्हीं की बदौलत आपने जीवन काल में हमेशा सफलता को छूते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इन्हीं से ही समाज में भी आपका सम्मान बढ़ता है, आपके व्यक्तित्व का पहचान आपकी संघर्ष से होता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिनमें आपको संघर्ष ना करना पड़ा हो। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन काल में आपको हर कार्यों में संघर्ष करना पड़ता है, तभी जाकर आपको सफलता मिलती है। दोस्तों आप देखे होंगे कि आपके बगल की कोई इंसान, कोई आदमी ऐसा होगा जिन्हें बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, लेकिन दोस्तों आपको वह सब चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। मिलती ज़रूर है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, क्या दोस्तों ये बातें जो हम आपको बता रहे हैं, यह बातें सच है या फिर झूठ है? दोस्तों अगर सच बातें हैं तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप सोचते रहते हैं कि हमारा आने वाला समय अब कैसा व्यतीत होने वाले हैं, आखिर हमें किस्मत का साथ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, आखिर हमारा किस्मत कब बदलेगा, जीवन काल में हमारी खुशी कब आएंगी, हमारे वह सपने कब सच होंगे जिनके लिए हम और भी मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपका वक्त आ गया है, अब आपका किस्मत बदलने वाला है। और दोस्तों अब आपका भाग्य सातवें आसमान पर जाने वाले हैं, यानी कि दोस्तों जीवन काल में जो भी परेशानियाँ हैं वह धीरे धीरे खत्म होने वाली है। इस महीने के अंत तक आपको अपने जीवन काल में बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल को बदल देंगे। तो दोस्तों इस महीने में ग्रहों की जो गोचर है आपके लिए शुभ दिखाई दे रहे हैं, और दोस्तों इनमें आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि दोस्तों आपके लाभ के कार्यों में रुकावटें पैदा नहीं होने देंगे। दोस्तों अपने ऊपर वालों को देखा तो लगता है कि कुछ भी नहीं है हमारे पास, अपने से नीचे वालों को देखा तो लगता है कि बहुत कुछ है मेरे पास। जिंदगी में जो मिला है उसे कभी भी न हो उदास, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए है बहुत खास। तो दोस्तों अगर आपको यह बात सच्ची लगी हो, इन पर यकीन हुआ हो, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों यश में तरक्की के नए रास्ते खोलने में भाग्य आपका सहयोग कर रहा है, परिस्थितियां अनुकूल है, इसका भरपूर सदुपयोग करें। दोस्तों अचानक ही किसी फिर मित्र से मुलाकात आपको खुशी देगी, और दोस्तों किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत भी यशमय हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों कभी कभी शक और क्रोध की वजह से बेवजह किसी के साथ मतभेद होने की आशंका भी लग रही है। दोस्तों यशमय अपनी जो है मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों विद्यार्थियों को अपने प्रोजेक्ट में विफलता के कारण उनके आत्मबल में भी कमी आ सकती है, इसे दोस्तों विद्यार्थीगण पढ़ाई में अपना ध्यान को केंद्रित करें, अतः यश में धैर्य बनाकर रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सिम होंगे। दोस्तों आपके अंदर बढ़ता अकेलापन, अभी इनसिक्योरिटी भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आप गलतियां कर सकते हैं, जिसका असर आपको निजी भविष्य में नजर आएगा। दोस्तों बड़े निर्णय लेते समय जिस व्यक्ति पर आपको बहुत अधिक विश्वास है उस व्यक्ति के साथ चर्चा करके निर्णय लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों यश में अपने कार्यों से संबंधित जो है नीतियों को दोबारा से विचार करके उस पर और अधिक सुधार लाने की प्रयास करें। दोस्तों आपको अवश्य सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। अगर कोई पैतृक संबंधी मामला चल रहा है तो दोस्तों यश में बहुत ही अच्छा और आसानी से उन्हें आप हल कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में माता पिता या फिर किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाएं। आप जो है यश में अधिकतर काम घर में रहकर ही पूरा करें, क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दोस्तों दूसरों से ज्यादा उम्मीद न रखकर अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपका सामाजिक कार्य में विशेष सहयोग भी रहेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय या फिर दिए गए दान पुण्य की वजह से आपको मानसिक समाधान भी प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, किसी सामाजिक संस्था के साथ
सराहनीय काम करने से आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। दोस्तों स्त्री वर्ग के लिए यह समय दिन जो है खास तौर पर लाभदायक रहेगा। दोस्तों यह समय भविष्य संबंधी कोई भी योजना ना बनाकर वर्तमान के कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। साथ ही दोस्तों कभी कभी गुस्सा हावी होने की वजह से किसी के साथ संबंध खराब भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होंगी। दोस्तों महत्वपूर्ण वस्तु को रखकर भूलने या फिर खो जाने की वजह से तनाव रहेगा, परंतु चिंता ना करें, वस्तु आपको घर में ही मिलेंगे। इस उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों यह समय काम संबंधित यात्रा में सफलता मिलेगी। काफी दिन के बाद परिवार के लोगों से मिलने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, जिसके द्वारा आपको खुशियों की प्राप्ति भी होगी। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए समय होंगे। यह समय किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना भविष्य में बहुत अधिक लाभदायक साबित होगा। सिर्फ यह समय योजनाओं को उचित तरीके से क्रियान्वित करने की जरूरत होगी। दोस्तों यह समय घर के रखरखाव अथवा बदलाव संबंधी भी योजनाएं बनेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय मार्केटिंग व फिर मीडिया से संबंधित कार्यों में अधिक ध्यान दें। यह समय अगर कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों उससे संबंधित योजनाएं बनाने की और क्रियान्वित करने का उचित समय होगा। दोस्तों यह समय ऑफिस में स्थान परिवर्तन की संभावना भी बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। युवाओं की अपनी दोस्ती में ईगो की वजह से दूरियां आ सकती है, इसलिए दोस्तों यह समय अपने व्यवहार को आप संयमित बनाकर रखें। ये आपकी दोस्ती के लिए और आपके लव लाइफ के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों तनाव और डिप्रेशन की स्थिति से बचने के लिए मेडिटेशन तथा योगा का आप सहारा लें तथा अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करें। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए। दोस्तों इस महीने में आप हमेशा लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए घर की अलमारी में या फिर तिजोरी में हल्दी की एक गांठ जरूर रखिएगा। तो दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।